वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में होगा बदलाव। बीसीसीआई का चौंकाने वाला प्लान, दो को मिला वापसी का फरमान। जी हां, एक तरफ टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में लगातार 3 जीत के साथ अपनी जगह पक्की कर ली है, तो वहीं बीसीसीआई ने बीच वर्ल्ड कप टीम इंडिया को लेकर भी बड़ा और चौंकाने वाला प्लान बना लिया है। दरअसल रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ मौजूद दो खिलाड़ियों को अब वापस वतन बुलाने का मन बना लिया है। सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन सूत्रों की मानी जाए तो टीम इंडिया के साथ ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में शामिल अब दो खिलाड़ी वापस लौटेंगे। ये दो खिलाड़ी हैं बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज आवेश खान, जिन्हें वर्ल्ड कप के लीग राउंड के आखिरी ग्रुप मैच के बाद भारत भेज दिया जाएगा। टीम इंडिया को अपना आखिरी लीग मैच कनाडा के साथ 15 जून को खेलना है। टीम इंडिया सूत्रों की माने तो दोनों खिलाड़ियों को फ्लोरिडा से ही भारत आना होगा और शुभमन गिल और आवेश खान टीम इंडिया के साथ सुपर 8 के मुकाबलों के लिए वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ियों में रिंकू सिंह और खलील अहमद भी शामिल हैं, लेकिन रिंकू और खलील टीम इंडिया के साथ आगे भी बने रहेंगे। शुभमन गिल और आवेश खान को हिंदुस्तान वापस भेजने के फैसले पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने अनौपचारिक तौर पर जानकारी भी दी है। इस अधिकारी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा है कि यह भारतीय टीम मैनेजमेंट का फैसला है। शुरुआती योजना के अनुसार गिल और आवेश दोनों को पूरे टूर्नामेंट के लिए यात्रा करनी थी, लेकिन अब मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया के रेगुलर खिलाड़ियों में से कोई भी क्रिकेटर आखिरी लीग मैच से पहले या मैच के दौरान चोटिल हो जाता है तो भी गिल और आवेश का अमेरिका में रुके रहना अब संभव नहीं दिख रहा, यानी दोनों की वापसी तय दिख रही है। फिलहाल टीम इंडिया के मौजूदा खिलाड़ियों की ही बात करें तो टूर्नामेंट में 3 मैच बीत जाने के बावजूद अब तक कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में नहीं आजमाया है।